हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 1. द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिवीजन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, फिल इन द मिसिंग नंबर्स. मींस हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर्स को फिल करना है. फर्स्ट पॉइंट इज कलर पिंक द ब्रिक्स हुज नंबर नेम्स एंड विद टी एंड वाई. मींस उन ब्रिक्स को पिंक कलर करना है जिसके नंबर नेम्स किससे एंड होते हैं, टी एंड वाई से. नेक्स्ट पॉइंट, कलर ब्लू द ब्रिक्स हुज नंबर नेम्स एंड विद आर एंड एन. मीन्स उन ब्रिक्स को ब्लू कलर करना है जिसके नंबर नेम्स एंड होते हैं आर एंड एन से. नेक्स्ट, कलर द रिमेनिंग ब्रिक्स ग्रीन. मीन्स बाकी बचे हुए रिमेनिंग ब्रिक्स को, बचे हुए ब्रिक्स को कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब जिस जिस ब्रिक्स में ब्लू कलर है, इसका मीन्स इसका मतलब है उसकी स्पेलिंग्स किसके किससे एंड होती है, आर एंड एन से. और जिस ब्रिक्स में पिंक कलर है उसकी स्पेलिंग किससे एंड होती है, टी एंड वाई से. और बचे हुए ब्रिक्स को हमने कौन सा कलर किया है, ग्रीन. ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट स्पेलिंग्स. मीन्स हमें करेक्ट स्पेलिंग जो होगी उस पर क्या करना है, टिक करना है. अब 40 की स्पेलिंग क्या होती है, एफ ओ आर टी वाई होती है या फिर एफ ओ यू आर टी वाई होती है. एफ ओ आर टी वाई, एफ ओ आर टी वाई क्या है, करेक्ट स्पेलिंग है, तो उस पर टिक करना है. नेक्स्ट, 12. 12 की स्पेलिंग क्या होती है, टी डब्ल्यू ई एल वी ई या टी डब्ल्यू ई डबल एल. टी डब्ल्यू ई एल वी ई करेक्ट स्पेलिंग होती है, उस पर टिक करना है. नेक्स्ट, 19. 19 की स्पेलिंग क्या होती है, एन आई एन टी डबल ई एन या एन आई एन ई टी डबल ई एन. तो 19 की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, एन आई एन ई टी डबल ई एन, तो उस पर टिक करना है. नेक्स्ट, 70. 70 की स्पेलिंग क्या होती है, एस ई वी ई एन टी वाई या एस ई डब्ल्यू ई एन टी डबल ई. तो 70 की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, एस ई वी ई एन टी वाई, तो उस पर टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द बिगेस्ट नंबर्स एंड क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट नंबर्स. मीन्स बिगेस्ट नंबर पे सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर पे क्रॉस करना है. ओके, सो फर्स्ट 36, 71 एंड 85. अब 36 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उस पर क्या किया है, क्रॉस आउट. अब 85 क्या है, बिगेस्ट नंबर, तो उस पर क्या किया है, सर्कल. नेक्स्ट, 39, 79 और 37. अब 39 और 79, 37 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 37, और बिगेस्ट नंबर 79, तो बिगेस्ट नंबर पे क्या करना है, सर्कल, और स्मॉलेस्ट नंबर पर क्रॉस आउट. नेक्स्ट, 86, 89 और 90. अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 86, तो 86 पे क्या करना है, क्रॉस आउट. और 89 और 90 इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 90, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 90, तो उस पर सर्कल. नेक्स्ट, 52, 58 और 53. अब इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 52, तो उस पर क्रॉस आउट करना है. और सबसे बड़ा 58, बिगेस्ट नंबर 58, उस पर सर्कल करना है. नेक्स्ट, 62, 26 और 82. अब 62, 26 और 82, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 26, तो उस पर क्रॉस आउट. और बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर 82, तो उस पर सर्कल. नेक्स्ट, 79, 17 और 71. तो बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 79, तो उस पर सर्कल. और स्मॉलेस्ट नंबर 70, तो उस पर क्रॉस आउट. नेक्स्ट, रीराइट द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. मीन्स हमें वो नंबर्स वापस लिखने हैं और किस फॉर्म में लिखने हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. मीन्स छोटे से बड़ा. फर्स्ट क्वेश्चन में 71, 85 और 36, इसमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 36, तो हमें 36 पहले लिखना है, उसके बाद 71, उसके बाद 85. नेक्स्ट, 83, 48 और 38. अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 38, नेक्स्ट 48, उसके बाद 83. नेक्स्ट क्वेश्चन, री राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. मीन्स हमें ये नंबर वापस से लिखने पर किस फॉर्म में लिखना है, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. मीन्स बड़े से छोटा. अब 90, 96 और 92, इसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 96, तो 96 पहले लिखना है, उसके बाद
92, उसके बाद 90। नेक्स्ट 48, 36 और 58, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 58, तो 58 पहले लिखना है, फिर 48, फिर 36। नेक्स्ट काउंट इन टूज टू फिल इन द सर्कल, मीन्स टू का काउंट करना है और सर्कल में फिलअप करना है। अब टू के बाद क्या आता है? थ्री आता है, पर थ्री हमें नहीं लिखना, तो थ्री के बाद क्या आता है? फोर, फोर लिखना है। वैसे ही फोर के बाद फाइव आता है, नहीं लिखना है, सिक्स लिखना है। सिक्स के बाद टू का काउंट करोगे तो क्या आएगा? सेवन और एट, एट के बाद नाइन और टेन, टेन के बाद इलेवन और ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद थर्टीन और फोर्टीन, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन और सिक्सटीन। नेक्स्ट फॉलो द पैटर्न एंड कम्प्लीट द सीरीज, मीन्स इस पैटर्न को फॉलो करना है और ये जो ट्रेन है उसे कम्प्लीट करनी है। अब इसमें फाइव, फाइव के बाद क्या आता है? सिक्स, सेवन, एट और नाइन, टेन, मीन्स इसमें कितने का काउंट करना है? फाइव का काउंट करना है, और जो नंबर फाइव का काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमें फिल करना है। ओके, सो फाइव के बाद क्या आया? टेन, टेन के बाद ट्वें फिफ्टीन, फिफ्टीन के बाद ट्वेंटी, ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव के बाद थर्टी, थर्टी के बाद थर्टी फाइव, थर्टी फाइव के बाद फोर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पोजिशन ऑफ लेटर्स ओ एंड जी इन द वर्ड ऑरेंज। अब ऑरेंज स्पेलिंग में, ऑरेंज की स्पेलिंग में ओ और जी की पोजिशन किस नंबर पे वो हमें लिखना है। अब ओ की पोजिशन क्या है? फर्स्ट, हमें क्या लिखना है? फर्स्ट पोजिशन। अब काउंट करते हैं, ओ के बाद क्या है? आर ए एन जी ई, वन टू थ्री फोर फाइव, जी कहाँ पर है? किस नंबर पे? फाइव नंबर पे, तो हमें क्या लिखना है? फिफ्थ पोजिशन। नेक्स्ट एडिशन, फाइव, फाइव के बाद अपनी फिंगर से काउंट करो, फाइव के बाद टू ऐड करो, क्या आएगा? सेवन, फाइव के बाद सिक्स और सेवन, तो टू ऐड करने पे क्या आया? सेवन। वैसे टू में वन ऐड करोगे तो क्या आएगा? थ्री। नेक्स्ट फोर में ज़ीरो ऐड करोगे तो क्या आएगा? सेम नंबर फोर। फाइव में थ्री ऐड करोगे तो क्या आएगा? एट। फोर के बाद टू ऐड करोगे तो क्या आएगा? फोर, फाइव और सिक्स। फोर के बाद वन ऐड करोगे तो क्या आएगा? फोर के बाद वन, फाइव। एट में वन ऐड करोगे तो नाइन, सेवन में वन ऐड करोगे तो एट, टू में फोर ऐड करने पर क्या आएगा? सिक्स। सिक्स में थ्री ऐड करोगे तो क्या आएगा? नाइन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, नाइन में से सेवन माइनस करोगे तो क्या आएगा? टू। फोर में से थ्री, वन माइनस करोगे तो क्या आएगा? थ्री। थ्री में से वन माइनस करोगे तो क्या आएगा? टू। सेवन में से फाइव माइनस किया तो टू। फोर में सॉरी फाइव में फोर माइनस करोगे तो वन, फाइव में टू माइनस करोगे तो थ्री, एट में सिक्स माइनस करोगे तो टू, एट में थ्री माइनस करोगे तो फाइव, नाइन में से टू माइनस करोगे तो सेवन, फोर में टू माइनस करोगे तो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम, मीन्स क्लॉक के हैंड्स बनाने, क्या करना है? क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं और उनका जो टाइम लिखा है वो हमें शो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब क्लॉक में टू टाइप्स के हैंड होते हैं, एक छोटा हैंड और एक बड़ा हैंड, पर बड़ा हैंड हमेशा कहाँ पर आएगा? ट्वेल्व पे। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या है? 6 o'clock, तो छोटा हैंड कहाँ पे आएगा? 6 पर, और बड़ा हैंड 12 पर। नेक्स्ट 4 o'clock, तो 4 o'clock पे, 4 पे क्या आएगा? शॉर्ट हैंड, मीन्स छोटा हैंड, और 12 पे क्या आएगा? बड़ा हैंड। नेक्स्ट 9 o'clock, अब 9 o'clock पे, 9 पे क्या आएगा? शॉर्ट हैंड, छोटा हैंड, और 12 पे बड़ा हैंड। 11 o'clock पे, 11 पे क्या आएगा? शॉर्ट हैंड, और 12 पे बड़ा हैंड। ओके, सो थैंक यू।